नमस्कार, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल सरकारी लोक पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप SSC CGL का एडमिट कार्ड स्टेटस ऑनलाइन किस तरीके से निकाल सकते हैं। SSC CGL का अगर आप एडमिट कार्ड निकालना चाहते हो तो उसका भी मैं तरीका आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चाहते हो कि SSC CGL का आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे, किस डेट में आपका एग्जाम है, इस तरीके से देख सकते हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब करो राइट साइड में घंटी के निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा आप SSC, और उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन होके आ गई है। अब यहाँ पे जो एडमिट कार्ड है इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपना रीजन सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा रीजन आपका ईस्टर्न है या KKR है या साउथर्न रीजन है, NER है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे साउथर्न रीजन ही सेलेक्ट करते हैं तो साउथर्न रीजन की ऑफिशियल साइट ओपन होके आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 21, नो योर एप्लीकेशन स्टेटस। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डाल दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मेल आईडी में भी मिल जाएगा जो आपने मेल रजिस्टर की थी, तो वहाँ पे उसमें सर्च कीजिएगा SSC स्पेस रजिस्ट्रेशन, तो SSC का रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे मिल जाएगा आपको। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल के यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके चेक कर सकते हो कि आपका SSC CGL का एग्जाम किस सिटी में, किस डेट में है, वो दिख जाएगा यहाँ से। और इसी तरीके से अदर का मैं बता दें, जैसे सेंट्रल रीजन की बात करें तो जैसे ही सेंट्रल रीजन पर आप क्लिक करोगे इस तरीके से सेंट्रल रीजन की ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 21 टू बी हेल्ड फ्रॉम ये, तो यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पे क्लिक करोगे इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद प्रोसीड नाउ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आप रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज भी चेक कर सकते हो, रोल नंबर वाइज भी कर सकते हो, और नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और किस सिटी से आपने ऑप्ट किया है वो सेलेक्ट करके ये कैप्चर डेट यहाँ पर डाल के सर्च पे क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इनके डायरेक्ट लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जब आप उस पर क्लिक करोगे सीधा इन पेजों पे आ जाओगे। अभी दोस्तों कुछ रीजन का ही एडमिट कार्ड SSC CGL का एडमिट कार्ड का स्टेटस रिलीज हुआ है। इस स्टेटस से आप देख सकते हो कि आपका एग्जाम किस डेट में है और किस सिटी में है, ये देख सकते हो। उम्मीद है 2-3 दिन में सभी रीजन का एडमिट कार्ड स्टेटस रिलीज हो जाएगा। और एडमिट कार्ड की बात करें तो जिस डेट में आपका एग्जाम होगा उस डेट से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा आपको, डाउनलोड के लिए लिंक भी अवेलेबल हो जाएगा, तो उसका भी यही तरीका होगा। तो जो ऑफिशियल साइट जो है उस पर क्लिक कीजिएगा, जो आपका रीजन उस पर क्लिक करोगे उसके बाद जो ऑफिशियल साइट उस रीजन की वो ओपन होकर आ जाएगी और यहाँ पे दिखा देगा एडमिट कार्ड SSC CGL एडमिट कार्ड, उस पर क्लिक करके एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं जिस डेट में आपका एग्जाम उससे 4 दिन पहले। तो अभी ये स्टेटस रिलीज किया है और इसके बाद इसका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड का लिंक रिलीज कर दिया जाएगा, उस पर क्लिक करके एडमिट कार्ड आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। भी आपका रीजन है चेक करने का यही तरीका है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और जो भी ऑफिशियल लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उस पर क्लिक करके सीधा आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में घंटी के निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।